हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। हम जानते हैं कि आजकल हर एक फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है, इसलिए कंप्यूटर नॉलेज की आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है। इसलिए हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में कंप्यूटर से क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसी लिए हम आज कंप्यूटर हिस्ट्री एंड जनरेशन के 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन MCQs कवर करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं मेरे पहले क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा जूम कर लेते हैं। ADSAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक डेले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेले सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डेले सेकंड ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, सेकंड क्वेश्चन, विच इज यूज्ड एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स थे उनमें कौन सी लैंग्वेज का उपयोग किया जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए फोरट्रेन, बी मशीन लैंग्वेज, सी कोबोल, डी बेसिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन लैंग्वेज। तीसरा क्वेश्चन, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आर मेड ऑफ। ए LSI, बी वैक्यूम ट्यूब, या मिस्टेक है, यू डबल होगा इसमें, सॉरी, सी VLSI, डी ट्रांजिस्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रांजिस्टर्स। चौथा देख लेते हैं, द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वाज। जो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी स्पीड क्या थी, अर्थमेटिक जो लॉजिकल ऑपरेशंस थे उनमें। ए मिलीसेकंड, बी नैनो सेकेंड, सी माइक्रो सेकेंड और डी पिको सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइक्रो सेकेंड। पाँचवा देख लें, इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंटीग्रेटेड सर्किट डिड कम इनटू एक्सटेंशन। ऑप्शन देख लेते हैं, ए फर्स्ट जनरेशन, बी सेकेंड जनरेशन, सी थर्ड जनरेशन, डी फोर्थ जनरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड जनरेशन। छठा क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी। इंटीग्रेटेड सर्किट और आईसी चिप बनाने वाले कौन थे। ए बिल गेट्स, बी हरमन हॉलरिथ, सी सैमन कोरसाकोफ, डी जैक किलवी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जैक किलवी। सातवां क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग स्पीड ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज। ऑप्शन देख लेते, ए मिली सेकेंड, बी माइक्रो सेकेंड, सी नैनो सेकेंड, डी पिको सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैनो सेकेंड। आठवां क्वेश्चन, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन देख लें, ए 1940 से 1959, बी 1959 से 1965, सी 1965 से 1971, डी 1971 से 1980। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1980। नौवां क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ड। ऑप्शन देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, थर्ड। दसवां क्वेश्चन, विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर यूज इन
फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर थे उनमें कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का उपयोग किया गया था। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ट्रांजिस्टर्स, VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VLSI माइक्रो प्रोसेसर। VLSI स्टैंड फॉर, VLSI का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं, ए वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर, बी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, सी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेशंस, डी वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। हु इन्वेंटेड द सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले कौन थे, ऑप्शन देख लेते हैं, JH1 टेसल, सेमोर क्रे, चार्ल्स वेबेज, नॉन ऑफ दोज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमोर क्रे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ कंप्यूटर, पावरफुल कंप्यूटर बोला है, बोला जा रहा है ताकतवर कंप्यूटर कहते हैं जिसे, उनमें से कौन सा है, सुपर कंप्यूटर, मिनी फार्म कंप्यूटर, सुपर कैलकुलेटर होगा, यहाँ पे कंडक्टर है, सुपर कंडक्टर, माइक्रो कंप्यूटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर का साइज उस टाइम इतना बड़ा होता था कि एक कमरे के बराबर होता था। चौदहवां क्वेश्चन देख लेते हैं, सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट, सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले इंडियन साइंटिस्ट कौन थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम। विच अमोंग द फॉलोइंग जनरेशन कंप्यूटर्स हैड एक्सपेंसिव ऑपरेशंस कॉस्ट, इसमें पूछा जा रहा है जो कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर थे जिनका कॉस्ट सबसे ज़्यादा आता था। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो एक कमरे के आकार के इतने हुआ करते थे, जिनको ले जाने और लाने में बहुत ही दिक्कत होती थी, सोच भी नहीं सकते थे ले जाने और लाने, कोई एक स्थायी जगह पर रखा जाता था। When was the world's first laptop computer introduced in market and by whom? इसमें आपको बताना है फर्स्ट कंप्यूटर, फर्स्ट लैपटॉप किन्होंने इंट्रोड्यूट किया था और कब किया था, इंट्रोड्यूस कब किया और किसने किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इप्सन ऑन 1981। सत्रहवां क्वेश्चन, MSI स्टैंड फॉर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीडियम स्टाइल इंटीग्रेटेड सर्किट। अठारहवां क्वेश्चन, HLL स्टैंड फॉर, हाई लेवल लैंग्वेज, बी हाई लेवल लैंग्वेज, एक ही हो गया, सी हाई लेवल्स लेसन, डी हाई लेमन लैंग्वेज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाई लेवल लैंग्वेज। चलिए देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन, विच कंप्यूटर आर यूज्ड इन बैंकिंग, रेलवे एंड एयरलाइन, वह कौन सा कंप्यूटर है जिसका उपयोग बैंकिंग और रेलवे एंड एयरलाइंस में किया जाता है। ए मिनी कंप्यूटर, वी मैन फॉर फ्रेम कंप्यूटर्स, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, मिनी फॉर्म कंप्यूटर्स, मैन फॉर्म कंप्यूटर्स। व्हेन वाज द वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड, वैक्यूम ट्यूब को बनाने वाला, नहीं सॉरी, वैक्यूम ट्यूब को कब बनाया गया था,
1904, 1910, 1920 कब बनाया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1904 में। क्वेश्चन नंबर 21, एनआईएक कंप्यूटर बिलोंग टू, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, बी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स, सी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स, डी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। एनआईएक का फुल फॉर्म क्या है? एनआईएक स्टैनफोर्ड, एनआईएक स्टैनफोर्ड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन, इन विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वर बिल्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, सॉरी थर्ड थर्ड। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। 24 क्वेश्चन, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर दैट यूज सीडी रोम फॉर द फर्स्ट टाइम, कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में सीडी रोम का फर्स्ट टाइम उपयोग किया गया था? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिफ्थ जनरेशन। ट्वेंटी फाइव और हमारा लास्ट में क्वेश्चन, सिलेक्टेड सिलेक्ट द थ्री डिसीजंस मेकिंग एक्शंस परफॉर्म्ड बाय द ALU ऑफ ए कंप्यूटर, ए इक्वल टू, बी लेस देन, सी ग्रेटर देन, डी ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थ लॉजिक यूनिट। इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं। वॉचिंग।